तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब करियर चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम एक अमेजिंग ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री की हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो जिससे देखने के बाद आपकी एग्ज़ाम में जो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से सवाल पूछा जाए तो आप उसको कुछ चंद सेकंड में बना पाएंगे, ठीक है। तो ये अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एलसीएफ की ट्रिक बता रखा हूँ उसी तरह से जनरल साइंस की ये हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान से दीजिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको पूछ दिया जा सकता है कि NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और यही आपको पूछ दिया सकता है कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो दोस्तों आप क्या निकालेंगे? तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इतनी इजी मेथड से हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हैं जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा हो। यूट्यूब पे आपको हज़ारों तरह के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लाख तरह के फार्मूलाज़ क्या क्या बताए गए हैं, दुनिया भर के क्या क्या याद करने हैं। आपको कुछ नहीं याद रखनी है, बस ये नोट करके ये दो पॉइंट याद रखिए, आपका हो जाएगा। सबसे पहला, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू इट, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम उस सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो बस ये तीन चीज़ आपको याद करनी है, ये दोनों चीज़ को जोड़ करके जो बनेगी वही आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ठीक है। तो किसी तरह की एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है, बस इसी चीज़ को फॉलो करनी है, ठीक है। क्या करनी है, नंबर ऑफ एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो देखिए, अगर जो दो हमें मिलेगी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन SP होगी, तीन मिलेगी SP2, चार मिलेगी तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन, पाँच मिलेगी तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3D, और यही छः मिलेगी तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो जाएगी SP3D2। इसी तरह से आगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसी आधार पे हम बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखना, किसी तरह का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने सारे पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सारे की फैमिली की याद रखना, क्योंकि आपको हर फैमिली की उस ग्रुप की आपके पीरियड की नाम याद करना पड़ेगा, जिसकी ऑक्सीजन हो गई, बोरोन हो गई, फ्लोरिन हो गई, उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि लोन पेयर हमें उसी के अनुसार लिया जाता है, ठीक है। यानी कि वैलेंसी की जो हम बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपको पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर बनाने में उसी का मदद आता है, तो क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर पर लोन पेयर भी जोड़नी थी, ठीक है। तो जो यही NH3 की हम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, आइए हम देख लेते हैं NH3। तो NH3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगी, इसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू इट, यानी कि तीन एटम अटैच्ड है, प्लस हमें करनी नंबर ऑफ लोन पेयर, तो आपको लोन पेयर पता करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब आप नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि दो होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है दोस्तों, सात होती है, तो उसको उसके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पांच इलेक्ट्रॉन जो रहती है वो किस प्रकार से होती है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो पाँच इलेक्ट्रॉन जो होती है आपको पता है लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें से तीन जो है ये तो बॉन्डिंग बनाने में काम आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन पाँच में से बच गया दो, तो दो जो इलेक्ट्रॉन बच जाती है वही दो इलेक्ट्रॉन आपकी लोन पेयर कहलाती है कि नहीं। जब भी लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन जो रहती है उसको लोन पेयर हम कहते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ पे बचता है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चार। तो चार कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताता है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से NH3 की हाइब्रिडाइजेशन SP3 आप बहुत ही कम टाइम में निकाल पाएगा, है कि नहीं ये आसान से ट्रिक दोस्तों। का जो ट्रिक पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे हम बात करते हैं CH4 की, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल एटम कार्बन आपको पता है ये चार बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है अपने पास, ठीक है। तो कार्बन हो गई, तो इसको हमने लिख लिया चार एटम बना सकते, चार प्लस लोन पेयर जीरो, क्योंकि लोन पेयर ने इसमें सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, चार की चार बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP3 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना तक दोस्तों आपको एकदम क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं वाटर की, ठीक है। तो H2O यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारी ऑक्सीजन होगी, यानी कि दो हाइड्रोजन तो जुड़ गई, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, आठ होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर आठ होती है, आउटर मोस्ट सेल में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो छः इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्डिंग बना लिए, बचे चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चार इलेक्ट्रॉन मिलकर के दो लोन पेयर बनाएंगे, है कि नहीं। तो यही दो लोन पेयर जो बनाएंगे, यही दो लोन पेयर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, यानी कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा फिर से एक बार हमें मिल करके आ जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। एक और बात यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि आपको वैलेंसी निकालना अच्छे से आता हो, ठीक है, क्योंकि आप वैलेंसी नहीं निकाल पाएंगे तो आपको
बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर जो आप बेसिक स्टूडेंट हो तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अगर जो आप हमें फॉलो कर रहे हैं अभी तक तो आपको वैलेंसी में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, वैलेंसी की। ठीक है, अगर जो ये नहीं भी आता हो आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एटॉमिक नंबर याद रखने हैं ये सबकी। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 से लेकर 30 तक आप याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे किसी भी एटम की वैलेंसी। ओके, तो ऑक्सीजन 8 हो जाएगी, उसकी आउटर मोस्ट सेल में जिसके 2 8 8 करके हम निकालते हैं, तो ऑक्सीजन की यही हम लेते तो 2 ले लिए और इसके आउटर मोस्ट सेल पर कितना बच जाएगी, 2 और 6 8 हो जाती है, तो यही 6 जो होता है वही वैलेंसी कहलाता है, यही आउटर मोस्ट सेल है, इसी का लोन पेयर बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं। आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो चलिए इस सिचुएशन को हम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एसएससी की तो हम तैयारी कर ही रही है, अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, जिसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं PCL5, जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि PCL की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी सेंट्रल एटम यानी कि फॉस्फोरस की। ठीक है, तो ये एग्जाम नीट में पूछी गई, जो कि मेडिकल लेवल की एग्जाम होती है, जेई मेन्स SRA में पूछी गई ये सवाल। तो आप ये सवाल भी बहुत ही चुटकियों में बना लेंगे, बहुत ही छंद समय में आप इसे बना लेंगे। आइए देखें किस तरह से आप बना पाएंगे। फॉस्फोरस, तो यहाँ पर कितने एटम जुड़े हुए दोस्तों, क्लोरिन के 5 जुड़े हुए, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेते हैं कि नहीं। ठीक है, 5 लिख लिया। अब फॉस्फोरस की बात आती है, तो फॉस्फोरस की एटोमिक नंबर कितनी होती है, तो P यानी कि P15, यानी कि फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर 15 होती है। 2 8 8 अगर जो हम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 और 8 10 10 और 5 15, यानी कि 5 होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी। तो 5 जो यहाँ पे लोन पेयर है दोस्तों, 5 का 5 तो फॉस्फोरस ऑलरेडी बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखेंगे लोन पेयर, और इसी प्रकार से हम इसको जब ऐड कर देंगे तो 5 यानी कि sp3d हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि अभी अभी हमने दोस्तों जाना था कि 4 होती है तो sp3 लिखते हैं, और यही 5 होती है तो sp3, और ये बाद में हमारा डी ऑर्बिटल भी बढ़ना स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हम sp d ये सब ले रहे हैं ना, यानी कि इसका मतलब ये कि s ऑर्बिटल में 1, पी ऑर्बिटल में 3 और डी ऑर्बिटल में 1। ठीक है, तो आइए अब दूसरा सवाल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम टफनेस लेवल को और बढ़ाते जाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये ट्रिक किसी में भी वैलिड नहीं है। आप कोई भी चीज़ की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। अब हम बात करते हैं IF7। देखिए बहुत ही टफ है ये, आपकी हेलोजन फैमिली से डिपेंड करता है, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट है हेलोजन, ओके, जिसमें फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन आती है। अब इसमें आपकी आयोडीन आई की निकालनी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, क्लियर है। तो आयोडीन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आयोडीन 7 एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 7 प्लस ले लेंगे। अब बात आता है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आपको पता है कि ग्रुप 17 एलिमेंट के बाहर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होती है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। अगर जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे तो भी आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये 7 के साथ आपके F7 के साथ बॉन्ड बना रखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो बनेगा sp3d3, ओके, है कि नहीं। तो बस ये हमारा बन गया। तो दोस्तों इसी तरह से इस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, और इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएगा, और इसे अपने दोस्तों में भी फैला दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, जिसके वैलेंसीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ये सारे हम अपलोड कर रखे हैं। पीरियोडिक टेबल भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में भी आपको मिल सकता है, और हमारा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप हमारे सारे इंपॉर्टेंट PDF को ले पाए, ठीक है, और उसे पढ़ पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।